रही अब आपको हम दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से क्या कहा जब उनकी मीटिंग खत्म हुई। आज सुबह सुबह उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और अपना पक्ष भी सामने रखा। बहुत दुखद था और बहुत अप्रत्याशित था। हमने सोचा नहीं था कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि तो अभी आज देश भर से अलग अलग राज्यों से लगभग सभी राज्यों से कार्यकर्ता आए हुए हैं, वॉलंटियर्स आए हुए हैं। उनके साथ हम लोग बैठेंगे और दो दिन चर्चा करेंगे उसके बाद। आपने कहा था कि अन्ना अगर नहीं जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, अब क्या फैसला आप ले रहे हैं क्योंकि अन्ना तो पूरी तरह से मना कर चुके हैं, अलग कर चुके हैं अपने आप? अन्ना ने ही कहा था कि जब उसके बाद मैं अन्ना से मिलकर आया कि एक सर्वे करवाइए, जनता से पूछिए। सर्वे के तरीके भी कहे थे कि SMS होंगे और वो इंटरनेट होंगे और उसके बाद जाने माने लोगों से, तो ऐसा लगता था कि उसके बाद शायद। तो अब वो सब आ गए हैं। एक तरफ मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि दो चीजें साथ साथ हैं। एक तरफ तो देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जब सब कुछ बिक रहा है, कोयला बिक गया, तेल बिक रहा है, आयरन ओर बिक गया, जमीनें बिक गई, दुकानें बिक रही हैं, रिटेल भी बिक गया, सब कुछ बिक गया इस देश का। ये देश थोड़े दिन साल बाद बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एक वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है। पूरी राजनीति गर्त में जा चुकी है। और दूसरी तरफ मैं ये अवसर देख रहा हूँ जो इस आंदोलन ने एक राजनीतिक विकल्प और पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन का, कि पूरी व्यवस्था बदलेगी। अब केवल बात लोकपाल की नहीं है, लोकपाल बिल आ जाने से कोई अर्थ शेकिंग चेंज होगा ऐसा नजर नहीं आता। पूरी व्यवस्था बदलने का एक जनता के बीच में एक वो है कि जनता चाहती है कि व्यवस्था बदले। तो एक तरफ चुनौती है और दूसरी तरफ अवसर है। इन दोनों का मिलाप मैं देख रहा हूँ कि अगर ये अवसर जो देश के लोग इकट्ठे हुए इस आंदोलन के जरिए अगर ये इस देश की व्यवस्था को बदल सके तो एक अच्छा साधन। आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारी नजरों में कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और इतना कह सकता हूँ कि हमारे लिए देश बहुत अहम है, देश के लोग बहुत अहम है। और